सो हेलो गाइस, माय नेम इज विशाल एंड यू कैन कॉल मी ओजी। क्या न्यूज आ रही है अगर तुम लोगों को नहीं पता, लेट्स चेक विद रोहित जोन 2.0। लेट्स चेक एंड लेट्स गो विद द फ्लो। एल्विश यादव एंड रजत दलाल ने एजाज खान से माफी मांग ली है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, खुद एजाज खान का कहना है। उन्होंने आज एक वीडियो अपलोड करते हुए बताया है कि रजत एंड एल्विश उनसे माफी मांग चुके हैं। खैर आप देख लीजिए। वो रजत दलाल ने तो माफी मांग ली है, उसने भी सॉरी बोला है, बोले एजाज भाई तुम मेरे बड़े भाई हो। और एल्विश यादव ने भी माफी मांगी है माशाल्लाह, और बोला है भाई तुम मेरे बड़े भाई हो, और मुंबई में हम मिलेंगे तो बोले वीडियो भी बना लेंगे। तो मैं बोला तेरे फैन लोग को जरा समझा दे कि गाली गलौज ज्यादा कर रहे, उस चक्कर में तू तकलीफ में आ जाएगा। तो बोला सही बात है भाई, लेकिन मैंने थोड़ी कुछ बोला आपको, मेरे फैन लोग बोल रहे हैं ना। तो इसका फैसला हो गया, बाकी बचा वो चोको। व्हाट द फक, आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल एल्विश यादव, रजत दलाल एंड एजाज खान, इन तीनों का कोई कंट्रोवर्सी चल रहा है यार। पैच मेरे को ही क्यों नहीं पता होता ये सब चीज़ें, लाइक व्हाट द फक यार, इतना कुछ चल रहा है। ये रोहित जोन को फॉलो करना पड़ेगा, ये 2.0 को। मेरे को रजत दलाल, एल्विश यादव एंड एजाज खान, भाई एजाज खान बिग बॉस में आया था, एल्विश यादव बिग बॉस में आया था, रजत दलाल बिग बॉस में नहीं आया था। रजत दलाल इज वेट लिफ्टर, पावर लिफ्टर। ओके सो इनका कोई कंट्रोवर्सी चल रहा था क्या यार? शेट, मेरे को पता ही नहीं था कुछ यार। तो इसका फैसला हो गया, बाकी बचा वो चोको चूसिया, उसका इंतजार कर रहे चोको के लिए। उसने चोको चूसी, ओ हां उसका मेरे को पता है, चोको चोको भाई पूरब झा। ओके के लिए उसने बॉडी बॉडी बनाएगा, थोड़ा वर्कआउट वर्कआउट करेगा। नहीं आ जाओ रे सब, और बाकी जो यूट्यूबर है जबरदस्ती चलती गाड़ी में चढ़ रहे हो, तुम्हारा नाम लिखा जा रहा है बकायदा बोर्ड पे, और तुमको भी लाया जाएगा। क्या लगता है आपको सच में रजत दलाल एंड द फक, मतलब रजत दलाल, हाँ दिस गाय इज रजत दलाल एंड एल्विश यादव। इनका एक वीडियो पहले आया था जिसमें लोगों ने बोला था कि मुंबई में ये लोकेशन, अभी लोगों ने माफी, मैं तो नहीं मांग रहा, मान रहा भाई लाइक दैट, बट अगर इन लोगों ने मांगी है तो भाई कुछ तो होगा। मतलब अगर उस बंदे ने वीडियो बना के भेजा है, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कहाँ हद तक, किस हद तक ये सच है, किस हद तक ये झूठ है, आई डोंट नो। कोई बंदा ऐसे पोस्ट तो नहीं करेगा, बट एजाज खान है भाई, इतना मुझे उसके बारे में नहीं भी पता है, एल्विश रजत दलाल के बारे में भी इतना नहीं पता है, पूरब झा के बारे में पता है मेरे को। आपको सच में रजत दलाल एंड एल्विश ने माफी मांगी होगी वो आप कमेंट्स में बताना। खैर अब एल्विश की बात हो ही रही है, तो जिस तरह ध्रुव ने एल्विश की प्रोनंसिएशन को ट्रोल करा, तो अभी एल्विश ने भी ध्रुव की मिस्टेक्स दिखाई हैं। आप ये क्लिप देखिए पहले। इससे पूछना चाहता हूँ कि थोड़ी बहुत भी शर्म। ओह वन मोर कंट्रोवर्सी ऑफ एल्विश यादव, यार व्हाट द फक। एल्विश यादव को मैंने इन सब चीज़ों से ही बहुत ज़्यादा वो कह रहा है। ध्रुव राठी के ऊपर इसने एक वीडियो बनाया था जिसमें इसने किसी बंदे पर एलिगेशन लगाने के बजाय किसी और बंदे पर एलिगेशन लगा दिए थे, एंड दुनिया जो इसके फैंस हैं, सो कॉल्ड जो जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जाके भाई उस बंदे को गालियाँ दे रहे थे, एंड उस बंदे के कमेंट सेक्शन में ऐसे ऐसे, मतलब वो बोल रहे थे कोई अननोन, कोई अलग ही बंदा था उसको, लाइक वो चीज़ मैंने देखी ध्रुव राठी की वीडियो से। मैं वैसे ये सब चीज़ें देखते नहीं, बट अभी इनका बहुत तगड़ा वाला कॉन्ट्रोवर्सी चल रहा है। एल्विश यादव ध्रुव राठी की गलती निकाल रहा है, ध्रुव राठी एल्विश यादव की, एंड डेली बेसिस पर बहुत सी वीडियोज़ आ रही है। मैं तो ध्रुव राठी को चेक कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ इसी के बारे में, लाइक काफ़ी चीज़ें ऐसी सुनने के लिए मिलती है, बहुत अमेजिंग थिंग्स, बहुत सही सही चीज़ों के ऊपर बोलता है। चाहता हूँ कि थोड़ी बहुत भी शर्म बची है तुम्हारे अंदर, या वो भी पीएम मोदी के चरणों में आपृत कर डाली। आपृत, दिस विल बी द वे भाई, यहाँ पर गलती कर रहे हैं भाई, यहाँ पर अप्रीत भाई नहीं, इंग्लिश अच्छे से बोल लेते इसका मतलब ये नहीं है कि भाई तुम हिंदी में टॉपर हो, अप्रीत गलत है भाई। कर डाली चरणों में आपृत कर डाल। इसको शेयर करते हुए एल्विश ने कहा, अर्पित होता अनपढ़, आपृत नहीं। इसके अलावा जैसे कि एल्विश ने प्रोपेगेंडा गलत प्रोनाउंस करा था और ध्रुव ने उनको ट्रोल करा था अपनी वीडियो में, तो एल्विश ने कुछ ऐसी वीडियो शेयर करी, एंटी इंडिया लिखो, प्रोपेगेंडा फैलाओ, प्रोपेगेंडा फैलाओ। प्रोपेगेंडा नहीं एल्विश, प्रोपेगेंडा होता है। है नहीं, हाँ इंग्लिश में दो शब्द जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है। यूट्यूबर ध्रुव राठी ने कहा प्रोनाउंसिएशन ये कॉमन एरर है, उच्चारण को अंग्रेजी में प्रोनाउंसिएशन कहा जाता है और इसकी सही प्रोनाउंसिएशन होती है प्रोनन्सिएशन, यानी प्रोनाउंसिएशन, इसमें नन आता है, नाउन नहीं, लोग इसे प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, विच इज रॉन्ग, वो गलत है। एंड साथ में कहा है, तेरे रोज मजे लेने हो तो हर सेकंड तेरी गलती निकाल दो, पर तेरे ऊपर बनाएंगे ग्रैंड मूवी, रेडी रहे। तो बस यार इतना ही था, बाकी आप यहाँ तक आई चुके हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब भी। आई कैन बिलीव इन दैट शिट भाई, रजत दलाल ने माफी मांग ली है, एंड दिस इज
जो भी हो रहा है कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए व्हाट्स हैपनिंग विद दैट गाइस। सो क्या चल रहा है सीन में, क्या नहीं है, एंड अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और मैं तो भाई यही चीज़ बोलूँगा, लड़ना झगड़ना बंद करो, जस्ट मेक योर कंटेंट भाई, उन लोगों पर फोकस करो। मैं तो जस्ट यूथ को ये बोलूँगा भाई, उन लोगों पर फोकस करो जो तुम्हारे देश के लिए बहुत सही कर रहे हैं, नॉट फॉर दैट पीपल्स हु आर जस्ट मेकिंग फाइट्स ऑन यूट्यूब्स एंड इंस्टाग्राम्स एंड दिस एंड दैट। इन सब चीज़ों को छोड़ो भाई, जो तुम्हें लाइक फक मैं क्या बोल रहा हूँ यार, मैं भी तो यहीं से आऊँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।